हाई एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ दो दिन की वीडियो की क्लिप शेयर करने वाली हूँ। अभी तकरीबन सुबह 7:30 का टाइम है और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दुबई किसी काम से, एक दो दिन के लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा आज हमारे घर पे पेंट भी स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से घर बहुत मैसी हुआ हुआ है। एक्चुअली हमारा प्लान था कि जब मंसूर दुबई से आएंगे तब हम पेंट स्टार्ट करवाएंगे, लेकिन पेंट वाले जो थे वो बाद में काफ़ी बिजी थे। यही एक दो दिन का टाइम था तो मैंने मंसूर को कहा कि मैं मैनेज कर लूँगी, आप उनको कहें आएँ और पेंट स्टार्ट कर दें। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पेंट के बाद इतना डस्टी और मैसी हो जाएगा घर। खैर, सबसे पहले मैंने किचन से स्टार्ट करवाया था ताकि किचन जो है वो सुबह ही मैं अरेंज करके रख दूँ। उसके अलावा पेंट का ये भी फ़ायदा हुआ कि हर कोना जो है घर का वो अच्छे से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो गया। सो किचन मेरा क्लीन हो गया था, एक कैबिनेट रह गई है वो बहुत मैसी है, वो मैं कल ही क्लीन करूँगी। उसके अलावा बच्चों का रूम भी मैंने क्लीन कर दिया था। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। जीनिया को ड्रॉप करके मैं घर वापस आई थी, अपने लिए अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसकी हालत बहुत मैसी हुई हुई है। रात को मैंने ट्राई किया था कि मैं इसको थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ, लेकिन सही बताऊँ बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी इसको क्लीन करने की। सो मैंने सोचा था कि सुबह ही क्लीन करूँगी। उसके अलावा थोड़ी देर तक जो पेंट वाले हैं उन्होंने भी आना है, क्योंकि हमारा जो बेडरूम है वो अभी तक पेंट नहीं हुआ, बस बेडरूम रहता है। और बस मैंने इसको क्लीन करना स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने पर्दे लगाने से स्टार्ट किया था। मैं काफ़ी टाइम से वाइट कलर के सिल्क के पर्दे ढूंढ रही थी, सो मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने खुद ही स्टिच वगैरह करवाए थे। उनको मैंने मयरमेंट वगैरह दे दी थी, लेकिन जब स्टिच होके आए हैं तो वो इतने छोटे थे और इतने बुरे लग रहे थे। खैर, फ़िलहाल तो मैंने इनको इसी तरह छोड़ दिया, शायद बाद में इनको मैं चेंज करूँगी। उसके बाद मैंने चीज़ें वगैरह हैंग करना स्टार्ट कर दी थी और इतने में इलियाना भी आ गई थी। इलियाना सुबह उठी थी तो मैंने उसको दूध दे दिया था, सो अपना जो है वो फीडर लेके आई थी कि उसने अपना फीडर जो है वो फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे मुझे नेल्स वगैरह दे रही थी और जो है चीज़ों के साथ प्ले कर रही थी, और मुझे ये वीडियो एडिट करते हुए इतना मज़ा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि यार काश रियल लाइफ में भी कोई टाइम लैप्स जैसी चीज़ होती कि हमारे जो काम है ना घर के वो कितने मिनटों में हो जाते। खैर, सही बताऊँ मुझे बड़ा मज़ा आया इस मेसी रूम को क्लीन करते हुए। एक तो मैंने बड़े मज़े के अपने फेवरेट सॉन्ग्स लगाए हुए थे बैकग्राउंड में, और उसके अलावा सुबह मैं फ़्रेश भी थी, सो बड़े आराम से मैंने जो पूरा रूम है वो आराम से समेट लिया था। ये जो मस्टर्ड कलर की रग है ये बच्चों के रूम में थी, वहाँ से मैं लेके आई थी, तो ये बड़े मज़े का एक कॉर्नर रेडी हो गया था प्लांट्स का। उसके अलावा फिर बस मैंने चीज़ें वगैरह समेटना स्टार्ट की। मुझसे अच्छा कोई पूछ भी रहा था कि आप जो है क्लीनिंग कौन करता है, आप खुद क्लीनिंग करते हो? तो क्लीनर मैंने लगाया हुआ है, वो आके क्लीन करता है पूरा घर। और उसके अलावा को ये भी पूछ रहा था कि जो है फ्लोर कैसे क्लीन करती हो आप, तो फ्लोर के लिए वो सिंपली मैं उसको कहती हूँ कि वो वॉश करे। मैं अपना घर जो है वो मॉप वगैरह नहीं लगवाती, मैं घर जो है हमेशा वॉश करवाती हूँ। उसके अलावा बस पेंट वाले आ गए थे, वो अंदर रूम में है पेंट कर रहे रूम। उसके अलावा जो ड्राइंग रूम है वो मेरा क्लियर हो गया था, बस लास्ट में हल्का सा डस्टर लगाना है, वो डस्टर लगाऊंगी। और जो कैबिनेट थी क्लीन करने वाली, मैंने बस बर्तन वगैरह निकाल के सारे जो है कैबिनेट्स को अच्छे से वाइप करके मैंने बर्तन वापस रख दी थी कोपेक्स वगैरह डाल के। अभी एग्जैक्टली शाम के 5 बज रहे थे और मैं किचन में आई हूँ, और आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन चरगा। इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है और ये बहुत जूसी और बहुत टेंडर बनता है। इसको बनाने के लिए मैंने 1/2 कप सिरका लिया है और इसमें डिफरेंट मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, अजवाइन हल्की सी कुटी हुई 2 पिंच के बराबर, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सॉल्ट जो है वो हस्ब जायका लेना है। उसके अलावा 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया था। मेरे पास इस टाइम पे हरी मिर्च नहीं थी, सो अगर आपके पास हरी मिर्च हो तो लहसुन के साथ हरी मिर्च का भी पेस्ट रेडी कर देना, लाइक 2-3 हरी मिर्च ले लेना, उससे भी बहुत मज़े का अच्छा सा फ्लेवर आता है। और बस उसके बाद सिरके में सारे मसाले डाल के थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी, ताकि जो सिरका है वो सारे मसाले अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक हो जाएगी। उसके अलावा जो चिकन मैंने ली है वो विद स्किन ली है,
और इसमें मैं अच्छे अच्छे डीप डीप कट्स लगा दूँगी ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो, वरना जो है चिकन का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा अगर उसमें कट्स नहीं लगे होंगे या मसाला अच्छे से हमने नहीं लगाया होगा। सो मसाला जो है उस चिकन के ऊपर वाली साइड पे, अंदर वाली साइड पे अच्छे से मसाला लगाना है। और जो है हाँ, चिकन की जो लेग्स हैं उसको भी हमने थ्रेड से अच्छे से बंद करना है, वरना जो है वो बाद में, क्योंकि बहुत टेंडर हो जाता है चिकन, सो वो बहुत अजीब सा डी शेप सा लगता है चिकन। और बस अच्छे से मसाला फ्राई करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 3 घंटे के लिए। तीन घंटे के बाद मैरिनेटेड चिकन को मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ। दोनों साइड्स को 10 से 15 मिनट के लिए ही ऑयल में फ्राई करूँगी मीडियम से हाई हीट पे। हमने यहाँ पे चिकन को कुक नहीं करना, बल्कि सिर्फ हमें दोनों साइड्स पे अच्छा सा गोल्डन कलर चाहिए चिकन का। जब दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर हो जाएगा चिकन का, तो मैं इसको निकाल के फॉइल पेपर जो है वो इसके आसपास अच्छे से लपेट लूँगी और इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। उसके बाद जो फॉइल पेपर से मैंने कवर किया चिकन, उसको मैं स्टीमर के ऊपर रख दूँगी और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल मीडियम से लो हीट पे मैं इसको पकाऊँगी। अगर आपके पास इस टाइप का स्टीमर नहीं है, सो आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा पॉट ले सकते हो, उसमें पानी रख सकते हो नीचे और उसके ऊपर कोई स्टैंड रख के उसके ऊपर आप यूँ फॉइल पेपर में जो है कवर किया बस चिकन वो उसके ऊपर रख सकते हो, और मीडियम से लो हीट पे आप इसको बनाओगे तो 1.5 घंटे में आराम से चिकन रेडी हो जाएगा। डिनर की एक स्पेशल तैयारी मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरी नन आने वाली थी दुबई से, मंजूर बस उनको लेने के लिए गए हुए थे और दोनों ने बहुत मिस किया अपने बाबा को, और वहाँ से कुछ बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह लेके आए हुए थे। सो बच्चे फ़िलहाल उनके साथ बिजी है। मुझे काफ़ी टाइम से ऑन ऑफ मसल्स में पेन का इशू रहता है, सो मंसूर वहाँ से मेरे लिए मसाज मशीन लेके आए हुए थे। शुरू में हमें इतना फ्रिक्वेंसी का आइडिया नहीं था, तो बहुत ज़ोर का मुझे झटका लगा था क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत हाई थी, हमने हाई स्पीड पे उसको रखा हुआ था, लेकिन बाद में हमने इसकी स्पीड जो है वो फ्रिक्वेंसी वगैरह एडजस्ट कर ली थी। अगर आपको थाइस में, शोल्डर या बैकबोन वगैरह में पेन का इशू रहता है, तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है आपकी। और बच्चों को दुनिया की कोई भी टॉय दे दो, बच्चों ने खेलना उसी चीज़ के साथ है जो उनके काम की नहीं है। उसके बाद बस डिनर का टाइम हो गया था। डिनर में आज मैंने बनाए थे मटर वाले चावल, मटन के कोफ्ते, उसमें मैंने बॉयल एग्स डाले थे। मंसूर को पता नहीं क्यों कोफ्तों में अंडे बहुत पसंद हैं। और उसके अलावा ये चिकन चरगा बनाया था, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करना। वीडियो में शायद इतने मज़े का नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होता है और स्पेशली बहुत ईजी रेसिपी है, स्पेशली जब आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ फ्राई नहीं करना, बस आपने स्टीम पे इसको रख देना और ये ख़ुद रेडी हो जाता है पैरिनेट, अगर आपने पहले करके रखा है इसको। तो बस उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह एंजॉय किया अपना। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अपनी लॉन्ग की कुर्तीज़ जो कि मैंने रिसेंटली पाकिस्तान से मंगवाई हैं। मुझे कुछ कमेंट भी आ रहे थे कि ना अपनी वॉलड्रॉप हमारे साथ शेयर करें। सो जो मैंने कुर्तियाँ पहनी हुई हैं वो तो आपने देखी है मेरी वीडियोस में। सो जो न्यू कुर्तीज़ आई, मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो फर्स्ट वन है वो ये पिंक कलर की कुर्ती है, एथनिक की और लॉन्ग कुर्ती है ये। आई गेस पाकिस्तान में दोबारा से लॉन्ग कुर्तीज़ का फैशन इन हो गया, और आई थिंक इंडिया में भी शायद लॉन्ग कुर्तीज चल रही हैं, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो में पिंक कलर की कुर्ती पहनी थी, उसके अलावा जो ईद पे भी मैंने कुर्ती पहनी थी, वो दोनों इंडियन शॉप से ली थी और लॉन्ग थी। सो उससे मुझे आइडिया हुआ कि इंडिया में भी शायद लॉन्ग कुर्तीज चल रही हैं। ये काफ़ी लंबी है और इसके ऊपर
जो है ना कपड़े पे काम हुआ हुआ है ऐसा, और वी गला इसका, मुझे ये जो वी गला होता है ना मुझे बड़े मज़े का लगता है। अच्छा, जो इंडियंस कुर्ती होती है ना उनके ये चॉक्स बहुत लंबे होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी कुर्तीज होती हैं मोस्टली मैंने देखा है कि शॉर्ट, ये चौक शॉर्ट रखते हैं वो। ये भी मज़े के लग रहे होते हैं। है खाड़े की कुर्ती, ये मुझे खाड़ी ब्रांड बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसके बड़े सिंपल से एलिगेंट से कपड़े होते हैं, मुझे सिंपल सिंपल कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये भी अच्छी खासी लंबी कुर्ती है, देखें ऐसी है ये। इसके जो नीचे बॉर्डर पे चौड़ी सी लेस लगी हुई है चारों तरफ, और गला जो है यू है इसका। मुझे ये जो बैंड गले के साथ ये जो वी गला होते हैं ये बड़ा बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैंने अपनी बहन को कहा था कि मुझे कपड़े भेज दे, उसकी चॉइस और मेरी चॉइस जो है वो सेम ही है, इसलिए सो आई एम हैप्पी कि मुझे अच्छे लग रहे हैं उसके कपड़े भेजे हुए। प्लाजो पे भी इस तरह की लेस लगी हुई है, और ये कलर बहुत मज़े। थर्ड वन है ये ग्रीन कलर की एक फ्रॉक है, और ये काफ़ी खुली सी फ्रॉक है, ये पहनने में बड़े मज़े की लगती है। मेरे पास पहले भी इस तरह की फ्रॉक है, और स्पेशली जो चब्बी लड़कियां हैं या जिनका ज़्यादा टमी हो स्पेशली प्रेगनेंसी में, ये बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। एक तो प्रेगनेंसी में भी आप यूज़ कर सकते हो, प्रेगनेंसी के बाद भी ये आराम से यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी इसी तरह है, बैंड गले के साथ है ये, और इसके यहाँ पे जो आगे यहाँ पे थोड़े से चुनर्स हैं, और इसके यहाँ नीचे वाली साइड पे चुनर्स हैं, जिसकी वजह से देखिए कितना ज़्यादा घेर इसका आ रहा है। ये पहनने में बड़ी मज़े की लगती है। व्हाइट कलर का चिकन है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का हल्का सा काम हुआ हुआ है, और यू गले पे भी हल्की है। ये मैंने चार कुर्तीज़ मंगवाई हैं पाकिस्तान से, चारों कुर्तीज़ हैं, इनकी रेंज जो है 4000 से 5000 की रेंज में चारों कुर्तियाँ। सो बस ये थी, बाकी जो कुर्तीज़ हैं वो तो आप लोगों ने देखी हुई हैं मेरी वीडियोज़ में, और खैर वीडियो मैं अब एंड करती हूँ यहाँ पे। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।